दोस्तों आपको सलमान, करीना, स्टारर बॉडीगार्ड कितनी याद है और क्या कभी बन पाएगा सलमान खान स्टारर बॉडीगार्ड फिल्म का सीक्वल? हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गरिमा अरोड़ा और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज पर। दोस्तों सलमान खान ने अपने करियर में बहुत ही असीमित ऊंचाइयां देखी हैं। वे बॉलीवुड के एक बहुत ही लोकप्रिय और पसंदीदा खानों में से एक माने जाते हैं। दोस्तों इनकी सभी फिल्मों को लोगों का बहुत ही ज्यादा प्यार हमेशा से मिलता आया है। जी हाँ दोस्तों, बॉडीगार्ड 2011 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसे सिद्दीकी ने लिखा और निर्देशित किया है। दोस्तों निर्देशक की 2010 की उसी नाम की बॉलीवुड फिल्म है जो दिलीप और नयनतारा अभिनीत है। जी हाँ दोस्तों, फिल्म अतुल अग्निहोत्री और अलविरा खान अग्निहोत्री द्वारा निर्मित की गई है। इसमें सलमान खान और करीना कपूर मुख्य भूमिकाओं में है जिसमें आदित्य पंचोली एक विशेष भूमिका निभाते हैं दोस्तों और करिश्मा कपूर एक आवाज वाली भूमिका में है। इस फिल्म ने अपनी रिलीज पर कई रिकॉर्ड्स तोड़े। अपनी रिलीज के पहले दिन के भीतर ये सबसे ज्यादा ओपनिंग डे ग्रॉसर बनने के साथ साथ अब तक के एक दिन के लिए सबसे बड़ा ग्रॉसर भी बन गया है। जी हाँ दोस्तों, फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में 1.03 बिलियन की कमाई करते हुए एक और बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बनाया। इस प्रकार तब तक सबसे अधिक ओपनिंग करने वाली कमाई बॉलीवुड फिल्म बन गई। जी हाँ दोस्तों, फिल्म दुनिया भर में 2.34 बिलियन की कुल कमाई के साथ एक बड़ी व्यावसायिक सफलता बनी है। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म की इतनी सफलता के बाद ही फिल्म के निर्माता अतुल अग्निहोत्री ने इसके एक सीक्वल की घोषणा की है। सिद्दीकी द्वारा निर्देशित सलमान खान और करीना कपूर बॉडीगार्ड 2 में सलमान के प्रशंसकों को इसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार है। हालांकि 6 साल के अनुमान के बाद जिसमें माना जाता था कि स्क्रिप्ट पूरी होने की प्रक्रिया में थी और फिल्म को बाद में शूट किया जाना था, इसके बाद लगभग पूरी रेडियो छुपी थी। जी हाँ दोस्तों, अब ये माना जाता है कि बॉडीगार्ड 2 वास्तव में आश्रय दिया गया है। खबरों के मुताबिक अग्निहोत्री ने बॉडीगार्ड 2 को खान बनाने का विचार छोड़ दिया है। जी हाँ दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि सलमान खान इस फिल्म के लिए मेकर्स की पहली पसंद नहीं थे। नयनतारा जिन्होंने वर्ष 2010 में मूल मलयालम संस्करण बॉडीगार्ड फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी, बॉडीगार्ड के लिए मुख्य भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन आखिरकार उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया और अभिनेता फिर से वही भूमिका नहीं निभाना चाहते थे। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें सलमान खान का अपनी खुद की फिल्म बॉडीगार्ड के सीक्वल के बारे में कहना कुछ इस तरीके से था कि आगे बढ़ने के लिए कोई कहानी नहीं थी, ये सब खूबसूरती से समाप्त हो गया। ये सच है कि हमने एक अगली कड़ी पर विचार किया था, लेकिन बेबी छोटी बहन अलविरा और अतुल यानी कि अतुल अग्निहोत्री मेरे साथ सहमत थे कि कोई मतलब नहीं था। अब एक साथ एक और फिल्म बनाने का फैसला किया है लेकिन इस पर अभी काम शुरू नहीं हुआ है। दोस्तों हम आपको बता दें सलमान खान ने इस बयान के बाद इस फिल्म के सीक्वल की अब उम्मीद नहीं रख सकते, पर सलमान खान की अतुल के साथ नई फिल्म का उनके प्रशंसकों को बेसब्री से इंतजार रहेगा। दोस्तों वो फिल्म भी बॉडीगार्ड की तरह बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन कमाई करेगी और एक नई ब्लॉकबस्टर बन बॉक्स ऑफिस की सक्सेसफुल फिल्मों में से एक बनेगी जो सलमान खान के करियर में और ऊंचाइयां लाएगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करेगा, शेयर करेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। स्क्रिप्ट लिखी है चंचल ने।